दोस्तों इस वीडियो में मैच कवर करने वाले जो कि देखोगे तो दो वुमेन मैच खेला जाएगा, एक है T10 और एक है T20। और मैं आपको बता दूं दोनों टीम्स के बीच ये मैच आज ही है और प्लेयर्स तक सेम है, स्क्वाड तक सेम है और साथ ही साथ विकेट तक सेम है। बस एक ही चेंज होगा कि पहले 10 ओवर के गेम खिलाया जाएगा इन दोनों टीम्स के बीच, उसके बाद 20 ओवर के। तो आप यहाँ पे सिचुएशन ये है कि यहाँ पे किस वाले में इन्वेस्टमेंट करें। देखो T10 मैच है तो मैं प्रेफर करूँगा आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, जो 2:45 पे मैच है इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना। जो 5 बजे मैच है जो कि T20 है तो प्रोफेशनल लगेगा खेलने में, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक कर सकते हो। लेकिन दोनों मैचेस में कवर कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि सिर्फ एक मैच कवर कर रहा हूँ, मैं दोनों मैचेस स्पेशली मैं तो T20 के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं T10 के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको बताऊँ तो समझ के चलो इस मैच का आपको वीडियो देख लो, लेकिन उसको भी 5 टीम दे दूंगा, ठीक है? सब कुछ सेम है, जो T10 में है बस ओवर कम हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा, समझ गए ना? T20 है और T10 है। 5 टीम के लिए टेलीग्राम चाहिए उसे ज्वाइन ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैच भी कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा और T20 और T10 दोनों ही 5 टीम आपको मिल जाएगा। लेकिन T10 में मत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना। 5 टीम के लिए टेलीग्राम चाहिए उसे ज्वाइन कर लेना, जो भी अपडेट्स हैं आपको मैं टेलीग्राम पर सबसे पहले शेयर करूँगा। तो टेलीग्राम चैनल जो उसे ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक उस पर क्लिक कर ज्वाइन कर सकते हो। फटाफट से बात करते, पहली आपको मैं बोल दे रहा एक चीज़ कि ये मैं T20 के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन आप इसे T10 समझ के वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? T10 में थोड़ा सा बस ये आपको सोचना है कि हम ना टॉप ऑर्डर के ज़्यादा प्लेयर्स को पिक करें, T20 में ये सोचना है कि हम मिडल ऑर्डर को भी कवर करके चले, समझ गए ना? बस यही है, ये अपडेट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ये जो मैच है 2:45 पे स्टार्ट हो जाएगा T10, और T20 है वो स्टार्ट हो जाएगा 5 बजे। उसके लिए हम पिच रिपोर्ट बात करें, दोनों जो मैचेस है सेम विकेट पे खेला जाएगा, तो पिच रिपोर्ट भी सेम ही रहेगा, सेम विकेट सबको सेम ही रहेगा। ये मैच ग्रेस में खेला जाएगा। अगर ग्रेस वुमेंस की अगर बात करें तो ये जो है मरीना ग्राउंड पे मैच खेला जाएगा, यानी ग्रेस में ना। हाँ, उसके अलावा पिच रिपोर्ट की बात की, जो मरीना क्रिकेट ग्राउंड है कैसा विकेट है, ये जो मरीना क्रिकेट ग्राउंड विकेट है वो एक बैलेंस विकेट है, आप एक न्यूट्रल समझ के टीम क्रिएट कर सकते हो। ये 50-50 वाला विकेट है, समझिए ना, 50% बैट्समैन को भी सपोर्ट मिलता है और बॉलर्स को भी, यानी बैटर्स को जितना एडवांटेज है उतना बॉलर्स को भी है, 50-50 विकेट है। उसके लिए वेदर रिपोर्ट, वैसे ग्रेस का जो विकेट जो वेदर रहता है वैसा ठंडा ही रहता है, लेकिन फिर भी बता दूँ यहाँ पे क्लाउडली भी दिखा रहा है, 20 डिग्री के आसपास आपको देखने को मिलेगा टेम्परेचर, यानी काफ़ी सही मौसम है उसे तो 20 डिग्री। उसके अलावा ऐसा कोई बारिश का चांस नहीं है, लेकिन हाँ क्लाउडली मौसम है। अगर हम बात करें ग्रेस वुमेंस की अगर बात करें तो इनकी टीम से ओपनिंग करेंगे टीम से एंगल क्रिकेट, जो कि टीम से कैप्टनसी करेंगे, ओपनिंग करेंगे मारी के साथ ओपनिंग करेंगे, कशिला वरना बैटिंग करेंगे, एलपीडा जो कि फोरना बैटिंग करेगी, उसके लिए मेरेटो जो कि फिरना बैटिंग करेगी, सोफिया जो कि टीम से एक अच्छी प्लेयर सिकना बैटिंग करेगी, एडम ट्रेन जो कि टीम से बैटिंग है, मारिया अवेलेबल टीम से है, उसके अलावा टीम से एक और मारिया अवेलेबल है, उसके अलावा पोलिना अवेलेबल है, काफ़ी अलग सा लाइनअप है इस बार ग्रेस वुमेन का। उसके अलावा देखोगे टीम से वैसे स्पिन वुमेन मुझे फेवरेट लग रही, बट फिर भी यहाँ पे एंटी केनी भी अवेलेबल है टीम से, तो ठीक ही लाइनअप से आप देखोगे तो कैप्टनसी यहाँ पे कर रही है अंगले के लिए, कैप्टनसी कर रही है मारिया, एक अच्छी प्लेयर, लेकिन कशिला इनफॉर्म प्लेयर है याद रखना। अगर बात की स्पेन वुमेन जो कि इनके पास थोड़े से तगड़े प्लेयर्स आ चुके हैं, ओपनिंग करेंगे टीम से तस्वीर जो कि टीम में ओपनिंग करेंगे टीम से एल्फेथ फ्लॉव हफाउल के साथ ओपनिंग करेंगे, उसके अलावा एंड्रा डेविडसन वंडा बैटिंग करेंगे टीम से, जस्टिन फोना पे, कैटरीना फिदा पे, एमी ब्राउन जो कि टीम से कैप्टनसी मिला है इस बार, ठीक है? एमी ब्राउन को कैप्टन इस बार नियोमी कैप्टनसी नहीं करी, एमी ब्राउन को कैप्टन से सीधा मिला हुआ है, काफ़ी बार मैंने देख रखा वो कैप्टनसी करती, ठीक करती कैप्टनसी उसे। तो उसके लिए टीम से देखोगे पायल जो कि टीम से अवेलेबल है, उषा भी अवेलेबल है टीम से, उषा से जो कि डेथ बॉलिंग करती है ना काफ़ी अच्छी बॉलिंग करती है, उसके लिए लुका अवेलेबल है टीम से है, म्यूमोना अवेलेबल है, तो ठीक ही लाइनअप से स्पेन वुमेन का, तो इसे फेवरेट टीम लग रही है स्पेन वुमेन तो, क्योंकि इनके पास 2-3 तगड़े ऑलराउंडर्स है। देखो जो भी अपडेट्स देंगे टेलीग्राम पे जू से मैं आपको शेयर करूँगा, तो टेलीग्राम चाहे जू से ज्वाइन जू से कर लेना, 5 टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लोग सोचेंगे कि मैं किस मैच को मतलब टीम दूँ, तो बता दूँ अभी मैं T20 का मतलब मैं टीम दूंगा, लेकिन आप T10 की टीम क्रिएट करें तो टिप्स दे देता हूँ, सिंपल सा है, T10 में इन्वेस्टमेंट उसे कम रखना, लेकिन फिर बता देता हूँ अगर T10 की टीम मैं बना के दे देता हूँ जिससे आपको ईजी रहेगा। बिकॉज अकेला हो जो किस मैच को कवर करो कोई नहीं कवर कर सकता, ऐसे में जाओ वुमेन मैच आपको पता है कितना ज़्यादा मेरा फेवरेट है, तो सपोर्ट दिखाया करो वुमेन मैच है, प्लीज़ वीडियो यूज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर, बिल्कुल सेट आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, सब्सक्राइब यूज़ करके रख लिया, वीडियो को यूज़ लाइक कर देना। DP देखे मैं टीम क्रिएट मत करना, क्योंकि मैं DP छोड़ो बात की विकेट कीपर सेक्शन पता नहीं DP देखे कैसे इग्नोर करूँगा भाई, इस वुमेन बहुत सही लग रही है भाई। वो छोड़ो T10 का है, पहले माइंड में रखना कि 10 ओवर का गेम है, तो टॉप ऑर्डर उठा लो और मेन बॉलर उठा लो, डेथ में बॉलिंग जो करेगा, फटाफट से टीम इसकी क्रिएट करके देता हूँ, उसका T20 के दूंगा। यहाँ पे एलोना ठीक ऑप्शन है, टीम मिर्जा अवेलेबल होनी चाहिए, टीम मिर्जा दोनों का सेम ही लाइनअप से,
टीमेजा टीमेजा हाँ अवेलेबल है, तबिशा मिर्जा सेकेंड सबसे बेस्ट पिक हो सकती है, कोई ख़राब पिक नहीं है। टी पेरिस से ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, उनको टी पेरिस नहीं अवेलेबल नहीं है, तो उसको कवर करने कोई बात है। लेकिन छी मैं डी पी क्यों देख रहा हूँ, इफ अवेलेबल टीम से पॉलीमेरी टीम से देखो कि एम पॉलीमेरी अवेलेबल है, मारिया पॉलीमेरी है, डेविड सोनी के इतने तगड़े प्रेम, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, नाम लेते हैं मैं पिक कर लिया। सी कांटा कोई खास है, तीन पिक कर लिया इधर से। शिलोटी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, शिलोटी अवेलेबल है ना, अवेलेबल है टीम से पिक करके, चल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, अवेलेबल है बंदी। ये रहा मारिया, अच्छी प्लेटिंग है मारिया, उसके लिए हेलमेट डेथ में बॉलिंग करके कंफर्म है ऑलमोस्ट। उसके लिए टीम दस से देखो, सोफिया अवेलेबल है थी है ना, सोफिया अवेलेबल तो है, मेटर सही है। ए मकरी था अवेलेबल नहीं है, एक सेकेंड, ए मकरी अवेलेबल है यार, आदम नीता मकरी अवेलेबल है। ए ब्राउन दैथ में दो ही बॉलिंग करते, नहीं तो ए हेलमेट कर ले ना, ए ब्राउन कर ले, एन हेलमेट दैथ में बॉलिंग शायद कर, नहीं तो ए ब्राउन, ए ब्राउन कैप्टनसी मिला इस बार तो अच्छी ऑप्शन है। एलेक्स हार्टली जबरदस्त प्लेयर खेलेगी ना, है ना, एलेक्स हार्टली जबरदस्त खेलती तो पिक कर लेती। सोफिया अवेलेबल है इस बार, उसके अलावा टीम दस से देखोगे ये इंपॉर्टेंट पिक करेंगे टीम से, क्या मस्ती पी है मार, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। उषा शायद डेथ में बॉलिंग करती है, अच्छी पिक है टीम दस से। रियाज क्यूरी शायद इस बार अवेलेबल नहीं, बट बहुत तगड़ी प्लेयर टीम दस से। ओवरऑल देखो उधर टीम बन गई है, सेम टीम आप T20 में भी यूज़ कर लेना और T10 में भी यूज़ कर सकते हो, टीम परफेक्ट है कुछ भी कहो। लेकिन T10 की टीम थी टॉप ऑर्डर को CBC ट्राई कर सकते हो, बट ये दो सबसे बेस्ट है, मैं आँख बंद के इन्हीं दो को प्रेफर करूँगा, ये दोनों इन्फॉर्म है टीम दस से। ये जो टीम क्रिएट किया हूँ आप इसे स्मॉलिंग में भी यूज़ कर सकते हो, ग्रैंडली भी यूज़ कर सकते हो, और T20 की टीम भी परफेक्ट है, और T10 में थोड़ा सा T10 पर ध्यान के देकर टीम बनाया हूँ ये परसेज बताओ तो, बट थोड़ा सा मैं T20 की तरफ भी फेवर किया हूँ। देखो दोनों ही मतलब मैचेस आज ही है, बस एक बार 10 ओवर का गेम खेला जाए, एक बार 20 ओवर का खेला जाएगा, तो टेंशन मत लो कि आप 10 ओवर के मैच का वीडियो देख रहे हो फिर 20 ओवर का, मैं उसे T20 का मैच में कवर करने वाला था, बट एक T10 में देखा तो बहुत सोचा बहुत लोग डिमांड करेंगे T10 का, तो T10 का भी टीम दे दिया। बाकी कुछ भी कहो ग्रेस वुमेंस मतलब लिटरली छोड़ो ये सब चीज़ें, आप डेटा को मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दो, टेलीग्राम चाहे ज्वाइन कर लेना, मतलब बहुत सही यार, मैं कैप्टन हूँ इसके प्रति। बाकी टीम बहुत परफेक्ट है, सेम टीम कॉन्टेस्ट बुक कर दो, सेम टीम T20 में भी यूज़ कर लेना, ठीक ना। बाकी CBC देखो आँख बंद में हर बार हम लोग हर बार एक दिन दो ट्राई करते हैं, इस बार भी किए, इधर फालतू का जाओगे जबकि पता भी नहीं कौन कैसे परफॉर्म करेंगे, ये दो सबसे सेफर और दोनों तगड़े हैं भाई। सेम टीम 5 बजे मैच वालों के लिए भी है और 2:45 पे उसके लिए भी सेम ही है, समझ गए ना। अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दो, टेलीग्राम चाहे ज्वाइन कर, फाइन टीम के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक है, जो उसे ज्वाइन कर।